अस्सलाम वालेकुम, ऐसा है मैं रज़ाक हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होते हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाती रहती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट शहरों गांव में मेरा जाना आना होता रहता है, तो मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाती रहती हूँ। तो एक हम बहुत ही मज़े वाली जगह है, जैसे कि फार्म भी कह लें इसको, अगर इंग्लिश में बोलें तो वैसे बोलें, उर्दू में तो डेरा भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत मज़े के मसल खूबसूरत जानवर भी रखे हुए हैं और बैठने के लिए सेटअप बहुत अच्छा लगा हुआ है माशाल्लाह से, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आपको पता है मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं लोकेशन और इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर रहती हूँ। तो ये मेरे नवीद भाई एक हैं जिनको आप लोग देख भी रहे होंगे आजकल मेरे साथ। तो नवीद भाई, तो नवीद भाई के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। हेलो फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? फिट फाड़ो। जैसे कि हमारे पास आइए, अल्लाह खैर करे, इसकी खिदमत हम सही करें, अगर वो थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी फिर नाराज़ हो जाएगी। नहीं नहीं, भाइयों से कौन नाराज़ होता है। तो आप ये इनका मेंशन कर दें, इनका नाम बताएं। ये भाई सूफी शमीर है और ये जो इधर सिस्टम है ये भाई का है। सो तैयारी हम दूसरी जगह पे थी तो अचानक से यहाँ ये याद आ गया, सोचा कि भाई के पास चलते हैं। तो भाई से रब्ता किया, भाई ने इज्जत की दी, अल्लाह इसको आबाद रखे, खुश रखे। अच्छा, सिंध में ये बहुत अच्छा है कि आप मेहमान नवाजी बहुत अच्छे करते हैं और आप इज्जत देते हैं, कोई भी मेहमान दूसरे शहर से आता है तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। दूसरा, मैं आपको सेट दिखा देती हूँ, तो आप सेट देखें तो वाकई आप लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा, आमों के बाग हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े आम लगे हैं। आपको पता है सीज़न आने लगा है तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉर्म है इनका माशाल्लाह से, जहाँ पे ये आम लगे हुए हैं। और अभी मैं तोड़ूंगी, वो खाऊंगी भी और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये सॉरी अगर पफ नज़र आ रहा है, तो छोटू ये पकड़ लो मेरा, इसलिए कि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। आप लोगों को पता है सर्दी में ट्रैवल करती हूँ ज़्यादातर, वीडियोस आप लोग मेरी सर्दी में देखते हैं। चलो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना आपकी, कोई मसला नहीं, आप बता दे। तो अभी मैंने दे दिया कैमरा इनको, तो अभी आपको मेरा ड्रेस भी नज़र आ जाएगा और साथ साथ लोकेशन भी समझ में आएगी। अच्छा, कि बड़ी कलरफुल सी जगह बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मेरे साथ तो आप लोगों को ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे इन्होंने भैंसे भी रखी हुई है शौक किया, और जैसे कि हर किसी का शौक अपना अपना होता है, तो ये शौक मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पता है जब भी मेरे पास भी डेरा होगा तो इससे भी खूबसूरत डेरा बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें भाई, इन्होंने भैंसे भी रखी हुई हैं और गायें भी हैगी, और भी जानवर होंगे माशाल्लाह से, बहुत बड़ा फार्म है। तो वो थोड़ा सा इधर आ जाएँ, तो इस साइड पर भी इन्होंने इसी तरह से जानवर रखे हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं जानवर। तो आते जाएं तो मैं दिखाती हूँ, तो गायें भी है भैंसे भी हैं। तो मैंने अभी फरमाइश वैसे की हुई है, मुझे वाइट कलर की बकरियाँ चाहिए, किसी के पास हो तो बताएं, मुझे जोड़ा चाहिए। तो इसी के साथ आगे आपको दिखाते रहते हैं, तो मैं इसी के साथ और कुछ काम भी कर लें, वो भी आप देखिएगा। और नवीद भाई का चैनल भी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवीद भाई अपने चैनल का बता दें। नाचीज़ फोटो फोटो, मेरे बरए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, इंशाल्लाह सबकी सपोर्ट करनी है। जैसे साइमा की आप सपोर्ट करें, वैसे मेरे गरीब की सपोर्ट करो यार। हाँ, तो इंशाल्लाह किसी को छोड़ना नहीं है, छोटा यूज़र हो बड़ा यूज़र हो सबकी सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नेक्स्ट काम मेरा देखते रहें, आ जाओ मेरे नाल।